नमस्कार दोस्तों, revelionwatch.com पर आपका स्वागत है। खबर अब कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सीआरपीएफ अपने ऑफिसर की एक खास टीम तैयार कर रही है। सीआरपीएफ की ये टुकड़ी लाइव ऑपरेशन के दौरान उस एरिया में घुस सकती है जहां पर खतरनाक आतंकी मौजूद होते हैं। कई ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर इस टुकड़ी का एक ही मूल वाक्य है, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, जिसका मतलब हुआ कि एक सब के लिए काफी है और सब के लिए एक ही काफी है। सीआरपीएफ के इन अधिकारियों को इस तरह की खास ट्रेनिंग दिए जाने के पीछे का मकसद यह है कि यह अधिकारी जब जंगे मैदान में रहें तो इनका मनोबल और उत्साह में किसी भी तरीके से कमी ना आए। इन जाबाजों को युद्ध क्षेत्र में आने वाले 16 कठिन मुश्किलों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद रण क्षेत्र की ऐसी मुश्किलें थी जिसका सामना करके यह जवान फौलाद से भी मजबूत बन चुके हैं। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन सर्दियों में भी बड़ी घुसपैठ करने के लिए अलग तरीके का प्लान तैयार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक आर्मी और ISI के आतंकियों के लिए खास तरीके की ड्रेस खरीदी जा रही है जो सर्दियों में भी आतंकियों को बर्फीले रास्ते में आने में मदद करेगी। सूत्रों के मुताबिक घाटी में इस समय 325 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 215 लोकल और 110 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इन सर्दियों में आतंकियों की तादाद बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान की मंशा है कि सर्दियों में सुरक्षा बलों पर और हमले किए जा सके। इस समय लश्कर के सबसे ज्यादा विदेशी और लोकल आतंकी घाटी में मौजूद हैं। इनकी संख्या लगभग 148 है। वहीं दूसरे नंबर पर हिजबुल के लोकल और पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं, जिनकी संख्या 117 है, जबकि जैश के 40 लोकल और पाकिस्तानी आतंकी इस समय कश्मीर घाटी में मौजूद है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी राय कुछ भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।